मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के 1573 ANM कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया, जिसका सीधा प्रसारण विकास भवन से किया गया। गोरखपुर में 33 ANM को महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने नियुक्ति पत्र वितरित किया, जिसके संबंध में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 1573 ANM को नियुक्ति पत्र दिया गया है। गोरखपुर में 33 ANM को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जो कि अलग अलग जिलों में जाकर अपनी सेवा देंगे और स्वास्थ्य विभाग का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ANM का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि लोगों से जुड़ी रहती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। इनकी कार्यकुशलता ही इनको आगे बढ़ाएगा। उम्मीद है कि गोरखपुर में नियुक्ति पाने वाली ANM गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग का नाम आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो स्वयं एक प्रसिद्ध चिकित्सक गोरखपुर के हैं और अपनी जनता के आशीर्वाद से महापौर गोरखपुर नगर निगम के बने हैं, वो आज इस वितरण कार्यक्रम को संपन्न कराएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय महोदय, हमारे यहाँ पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की हमारी पूरी टीम, अन्य सभी अधिकारी का, हमारे सभी साथी का, और अभी जो आप हमारे महापौर को और आपको जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से जो हमारी स्वास्थ्य की इकाइयाँ हैं उनको हम लोग मजबूत कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे सप्लीमेंट करके बेटर मेडिकल फैसिलिटी को ANM के नियुक्ति पत्र के अवसर पर आदरणीय CDO श्री संजय जी, हमारे सूबे के स्वास्थ्य अरे इस जनपद के स्वास्थ्य के मुखिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, मीरा जी एवं लेखाधिकारी एवं सभी जितने भी लोगों की आज नियुक्ति गोरखपुर में प्रस्तावित है, आप सबका मैं बहुत आदर के साथ अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो है ANM जो एक चिकित्सक होने के नाते जो ANM की जिम्मेदारी है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। अगर आपने अगर बेहतर काम नहीं किया तो पूरे स्वास्थ्य विभाग की का जो एक रिपोर्ट कार्ड जाता है वो गड़बड़ा जाता है। हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो स्वास्थ्य के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो हो, या जैसा कि अभी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि आप अगर मरीज दिक्कत में है तो उसको आप गाइड करते हो कि कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आप जिम्मेदार होते हो। पहले ताली बजाओ, जब ताली बजाओ। डॉक्टर सोनू नारायण सिंह, सोनू डॉक्टर तुम्हें टॉफी दें, आ जाओ, आओ, सबको ये मिलेगा, तुमको चॉकलेट दो, अपने बेजी का सर सर इधर लक्ष्मी रानी डॉक्टर गुर्जा शंकर,
संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, एएनएम रूबी कुमारी, पूजा चौधरी, पूजा राय, शशिलता, सोनू देवी, सविता कुमारी ने कहा, प्रदेश में 1573 लोगों को आज एएनएम की नौकरी का प्रमाण पत्र दिया गया और नियुक्ति पत्र, इस नियुक्ति पत्र में गोरखपुर का हिस्सा 33 लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने अभी यहाँ वितरित किया और ये सब हमारे स्वास्थ्य विभाग के बिल्कुल जिसको आप बैकबोन कह सकते हैं बेसिक कार्यकर्ता हमारे यही हैं और इनकी कार्यकुशलता आगे देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर का भी नाम ये सब रोशन करेंगे। इन सब के प्रति बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कितना महत्वपूर्ण काम होता है एएनएम का? एएनएम का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। एएनएम का कार्य अभी आपको सीएमओ साहब और डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो एक बेसिक कार्य जिसको आप कहते हैं कि जो है वो एक स्वास्थ्य मित्र, इनको आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये परिवारों के साथ एक अपना संबंध बना के रखते हैं जिससे जो है उनके जितनी भी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी होती हैं वो उनको यथास्थान उस तरह से जो है निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं और उचित स्थान पर इनको भेजा जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना है या बीच में सीएससी पे भेजना है, पीएससी पे भेजना है, उस तरह के कार्य करते हैं और प्लस जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं चलती हैं स्वास्थ्य संबंधी वो सब इनके निर्देशन में ही चलती हैं और साथ में वैक्सीनेशन का भी इनके दारोमदार रहता है। जो बच्चे वैक्सीन जिनको ज़रूरत होती है उन सबको दी जाती है और रूटीन में उनका वैक्सीनेशन हो गया है कि नहीं हो गया, इन सब चीज़ें ये लोग चेक करते हैं। तो एक तरह से जिस कह लीजिए कि हमारे बेसिक फील्ड फोर्स यही हैं और इनकी कार्यकुशलता बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम मैं पूज्य महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। एक ज़माने में पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष रूप से नौकरी मिलना एक दिवा स्वप्न हुआ करता था। आज महाराज जी की परिकल्पना से, महाराज जी की प्रेरणा से प्रदेश में जो है 1573 हमारे एएनएम को यह नियुक्त पत्र दिया गया है, उसमें गोरखपुर में 33 एएनएम को दिया गया है। ये स्वास्थ्य विभाग की मूल कार्यकर्ता होती हैं। 5 से 10 हज़ार की आबादी का पूरा स्वास्थ्य इन्हीं के कहते हैं हाथों में सुरक्षित होता है। ये बच्चों के पैदा होने से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था के बाद जो है वृद्धावस्था तक जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी टीकाकरण होते हैं, जितनी क्षेत्र में महामारियां होती, सबका कार्य, सभी प्रकार का जो है इन्हीं के नियंत्रण में होता है। एक तरह से ये स्वास्थ्य विभाग के आँख नाक कान होते हैं, ये क्षेत्र में पूरे रहती हैं और वहाँ से जो है जो भी कोई गंभीर बीमार होता है उसकी सूचना अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारियों को देती हैं, या अगर कोई क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है, कोई गंभीर बीमारी होती है, कोई महामारी होती है तो उसकी सूचनाएँ देती हैं। और ये एक हमारे विभाग की एक अहम कड़ी है। उनका जो है पारदर्शी तरीके से महाराज जी ने चयन कराया है और उनको दिया गया है। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य है कि आज हमारी फोर्स में 33 सोल्जर्स और जुड़ गए हैं। हम लोग गोरखपुर को और अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। एक सालों से इंतजार हो रहा था, पर संविदा पे थे, उसके बाद एक साल हो गया हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था और प्रोविजनल का लग रहा था जैसे कि बहुत दिन हो जाता कि कब ज्वाइनिंग देंगे तब ज्वाइनिंग देंगे, इसलिए इसको बहुत खुशी लग रही है। सर उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग जो बहुत सारी लड़कियां हैं कि जिसको अपना सेल्फ डिपेंडेंट के होने का मौका मिल रहा है। सर रूबी कुमारी, नियुक्ति पत्र मिला है इसके लिए हमें बहुत खुशी है क्योंकि अभी हमारा फ्रेश में हुआ है, अभी हम संविदा पे नहीं कर रहे थे तो इसलिए हमें खुशी बहुत ज़्यादा है। अब सरकार की वजह से ही आज हमें नियुक्ति पत्र मिला है। इंतज़ार तो करना पड़ा, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, एक साल से ज़्यादा हो गया और प्रोविजनल लगा था तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि होगा नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा इस वजह से, लेकिन आज नियुक्ति पत्र मिल गया है तो बहुत खुशी है। बस्ती ज़िला, पूजा चौधरी, गोरखपुर मिला है खजली। सर बहुत बहुत खुशी है हम लोग को, एक साल बाद मिला है सर, एक साल होने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सर 100% हुआ है। ऐसे काम करेंगे सर, बहुत अच्छे से करेंगे, सबकी सेवा करेंगे।
सर्रकाट में मिला है, पूजा रहा है। कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है पाके। कैसे काम करेंगे? अच्छे से करेंगे, जो हम लोग को बताया गया है पढ़ाई के वजह वही हम लोग करेंगे। गंगा गोरखपुर शशि लता। बहुत ज़्यादा खुशी है, कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं? हमको मत कहिए, हम तो 10 साल से इंतजार कर रहे थे। मतलब जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, सरकार ने मतलब हम लोग को रोजी रोटी का साधन दे दिया। और की मौज लेके सोनू देवी सर, बहुत बहुत हम लोग खुश हैं। और हम लोग स्वास्थ्य विभाग में खूब अच्छे से सेवा करेंगे। और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग के लिए योगी जी मुख्यमंत्री बहुत कर दिए। आज हम लोग उनकी दया से बहुत खुश हैं। जिस टौली कौड़ी राम सभी तक।